Uh, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा वहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे uh, लोग खुश हो रहे हैं इंडिया में लेकिन असली फील आपने जब यहाँ लैंड किया तब क्या होगा उसके बारे में कुछ बताएं uh, बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके वहाँ पे तो uh, पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश हैं हम लोगों ने मेडल लिया और uh, इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है सब सबका इतना प्यार है और हम लोग मेडल ले इंडिया के लिए लेके आ रहे सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आ, आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल आ, लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा मैं ये जानना चाहता हूं वो जो दो या तीन दिन बीते थे बिफोर या सेमीफाइनल तब वो दिन कैसे बीते क्या चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है उस टाइम पर मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया ये भी नहीं सोचा था बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था यही सोचा था और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। आखिरी सवाल आपकी वो जो बाउट थी बहुत इंस्पिरेशनल थी जब आप वर्ल्ड चैंपियन टर्की की जो बॉक्सर है उनके खिलाफ लड़ रहे थे इतना जोश के साथ आपने ओपन फाइट लड़ी इसके बारे में जानना चाहूंगा कई बार क्या होता है आप एक हायर रैंक बॉक्सर के साथ खेलते हैं तो थोड़ा ज्यादा केयरफुल होते हैं ज्यादा ओपन फाइटिंग नहीं करते क्योंकि लोअर रैंक बॉक्सर थोड़ा सा घबराता है आपने वो नहीं दिखाया आपने पूरा जोश जज्बा दिखाया क्या थिंकिंग थी इसके पीछे Uh, मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होते बस मुझे खेलना है डरना नहीं है बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूँ बस All right ladies and gentlemen lovely now borrow in thank you so much नाव फॉर द बिग वन बिकॉज ये मेडल आप लोग सब जानते हैं इकतालीस साल बाद भारतीय टीम ने जीता और हॉकी हमेशा से हमारे इंडियंस के दिल के बहुत ही करीब है ये मेडल आया पर्सनली मुझे 2000 हज़ार का ओलंपिक गेम्स याद आते हैं दिल टूट गया था सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते टीम रह गई थी तो मैंने आते ही सबसे पहले जब मनप्रीत को मिला श्रीजेश को मिला सबको बोला जो 21 साल पहले दिल टूटा था ना आप लोगों ने वो आज जाके जोड़ दिया नाउ कैन आई रिक्वेस्ट द हॉकी टीम टू प्लीज़ कम फॉर द फेलिसिटेशन एक एक करके मैं आपके नाम लूंगा एंड यू कैन कम ऑन स्टेज एंड आई रिक्वेस्ट द थ्री यूनियन मिनिस्टर्स विद टू स्टेज कम ह्योर एंड फेलिसिटेट सारे अगर आप लोग आ जाए प्लीज हॉकी प्लेयर्स यहाँ पर मैं एक एक नाम लेता जाऊंगा आप लोग आते रहे स्टार्ट विद द मैन जिसको अक्सर हम लोग प्यार से द वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं कैन आई द स्क्रीन फर्स्ट हफ